एजुकेशन सदगुरु के डेली जी के प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के हम अपने जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान या फिर डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। विदित हो कि राज्य में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलने के बाद लाख उत्पादन से जुड़े किसान भी अन्य किसानों की तरह सहकारी समितियों के माध्यम से आसान ऋण प्राप्त कर सकेंगे। आपको बता दिया जाए, छत्तीसगढ़ भारत में लाख के प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक है। वही छत्तीसगढ़ में लाख की खेती की अपार संभावनाएं हैं और यहाँ के किसान कुसुम, पलास तथा बेर के पेड़ों में परंपरागत तरीके से लाख की खेती करते आ रहे हैं, किंतु व्यवस्थित और आधुनिक तरीके के अभाव में किसानों को उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है। यदि हम छत्तीसगढ़ के बारे में देखें तो यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, और जिले इसके कुल 28 हैं। यहाँ पर लोकसभा की 11 सीटें तथा राज्यसभा की 5 सीटें हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी छत्तीसगढ़। तो चलिए अब अपना दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं कि किस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय यानी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स द्वारा राम किंकर बैज की 115वीं जयंती के अवसर पर वर्चुअल टूर का आयोजन किया गया है। ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या जनजातीय मामलों का मंत्रालय। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय यानी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा राम किंकर बैज की 115वीं जयंती के अवसर पर वर्चुअल टूर का आयोजन किया गया। आधुनिक भारत के सबसे मौलिक कलाकारों में से एक राम किंकर बैज एक प्रतिष्ठित मूर्तिकार और चित्रकार थे। राम किंकर बैज का जन्म पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में हुआ था। वर्ष 1925 में उन्होंने शांति निकेतन स्थित कला विद्यालय यानी कला भवन में प्रवेश लिया और नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में कला से संबंधित अनेक बारीकियां सीखी। उन्होंने नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी के साथ मिलकर शांति निकेतन को आज़ादी पूर्व भारत में आधुनिक कला के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई। वर्ष 1970 में भारत सरकार ने उन्हें भारतीय कला में उनके अमूल्य योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है यानी संस्कृति मंत्रालय। चलिए हम अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 के लिए चुना गया है। इसके ऑप्शन है मिताली मधुमिता, माधुरी कांतिकर, दिव्या अजीत कुमार या फिर सुमन गवनी। भारतीय सेना की अधिकारी मेजर सुमन गवनी को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है। उल्लेखनीय है कि यह पहली बार है जब किसी भारतीय को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मेजर सुमन गवनी संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थी और उन्होंने हाल ही में अपना मिशन अभी पूरा किया था। सुमन गवनी के अतिरिक्त ब्राजील सेना की एक कमांडर कार्ला मोंटेइरो डे कास्त्रो अराउजो को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये उनकी फोटो है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है यानी सुमन गवनी। चलिए इसी सेशन में अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो द्वारा किसे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद के लिए चयनित किया गया है। ऑप्शन आपके इस प्रकार है ए एस एस राजेश्वरी, बी एम आर कुमार, सी टी सी सुशील कुमार या फिर डी विपिन आनंद। हाँ, तो हाल ही में बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो द्वारा न्यू इंडिया इंश्योरेंस के महाप्रबंधक एस एस राजेश्वरी को दिल्ली स्थित ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के लिए चयनित किया गया है। यदि हम इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को देखें तो इंटरव्यू के परिणामों के जारी होने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा ओ आई सी के सी एम डी की नियुक्ति की प्रक्रिया
प्रारंभ की जाएगी। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री की अनुमति के बाद आधिकारिक नियुक्ति पत्र को केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के पास भेजा जाएगा, जहां से इसे प्रधानमंत्री की सहमति हेतु कार्यालय भेजा जाएगा। बैंक, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में, कि देश के बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियों को दूर करने के लिए वर्ष 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन द्वारा एक्सिस बैंक के पूर्व अध्यक्ष पीजे नायक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। पीजे नायक समिति की सिफारिशों के आधार पर 28 फरवरी 2016 को भारत सरकार ने ब्यूरो के गठन और इसकी संरचना की घोषणा की। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने आधिकारिक रूप से 1 अप्रैल 2016 से अपना कार्य करना प्रारंभ किया था। बैंक बोर्ड ब्यूरो का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और बैंक बोर्ड ब्यूरो एक स्वायत्त संस्तुतिकर्ता संस्था के रूप में कार्य करती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन ए, यानी एसएस राजेश्वरी। चलिए हम अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.4% की कटौती की घोषणा की है। घोषणा के बाद अब नया रेपो रेट दर क्या है? ऑप्शन है आपके 4.0%, 4.40%, 4.70% या फिर 3.75%। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.4% की कटौती की है। आरबीआई की घोषणा के साथ ही रेपो रेट अब 4.40% से घटकर 4.0% पर पहुंच गया है और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर आ गया है। उल्लेखनीय है कि बीते वर्ष फरवरी माह से आरबीआई ने नीतिगत रेपो रेट दर में समग्र तौर पर 250 बेसिस पॉइंट की कमी की है, जिसके कारण रेपो रेट 6.5% से 4% तक पहुंच गया है। अब जान लेते हैं कि रेपो रेट क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि बैंकों को अपना कामकाज करने के लिए बड़ी मात्रा में रकम की आवश्यकता होती है। बैंक इसके लिए आरबीआई से अल्पकालिक ऋण मांगते हैं और इस ऋण पर रिजर्व बैंक को उन्हें जिस दर से ब्याज देना पड़ता है उसे ही रेपो रेट कहते हैं। वहीं अगर हम रिवर्स रेपो रेट के बारे में बात करें, यह रेपो रेट के ठीक विपरीत होता है, अर्थात जब बैंक अपनी कुछ धनराशि को रिजर्व बैंक में जमा कर देते हैं जिस पर रिजर्व बैंक उन्हें ब्याज देता है, तो रिजर्व बैंक जिस दर पर ब्याज देता है उसे ही रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, यानी कि 4%। तो चलिए अगला प्रश्न भी चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। टिड्डी चेतावनी संगठन यानी लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन LWO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है गुरुग्राम, लखनऊ, फरीदाबाद या फिर पुणे। फसलों को बुरी तरह प्रभावित करने वाली टिड्डियों का पिछले कुछ दिनों से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में देखा जाना चिंता का विषय बन गया है। टिड्डी चेतावनी संगठन यानी लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन ने अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार भारत में बड़ी समस्या तब होगी जब टिड्डियों की प्रजनन संख्या में वृद्धि होगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के वनस्पति संरक्षण संगरोध एवं संग्रह निदेशालय यानी डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज के अधीन आने वाला टिड्डी चेतावनी संगठन मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में टिड्डी की निगरानी, सर्वेक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय फरीदाबाद में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी फरीदाबाद। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पिछले कुछ दिनों से जंगलों में लगी भीषण आग का सामना कर रहा है? ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी मणिपुर, सी उत्तराखंड या फिर डी झारखंड। कोरोना वायरस यानी COVID-19 महामारी के बीच उत्तराखंड बीते कुछ दिनों से जंगलों में लगी भीषण आग का सामना कर रहा है, जिसके कारण उत्तराखंड सरकार के लिए परिस्थितियां काफी चुनौतीपूर्ण हो गई है। नवीनतम आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2020 की शुरुआत से अब तक उत्तराखंड में वनाग्नि की कुल 46 घटनाएं दर्ज की जा चुकी है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य की तकरीबन 51.34 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हुई है। राज्य में वनाग्नि की अधिकांश तकरीबन 21 घटनाएं केवल कुमाऊं क्षेत्र में दर्ज की गई हैं, वहीं गढ़वाल क्षेत्र में वनाग्नि की 16 घटनाएं हुई हैं।
वहीं अगर हम उत्तराखंड के बारे में बात करें तो यहाँ के उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, यहाँ की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। इसमें कुल 13 जिले और इसमें लोकसभा की 5 सीटें जबकि राज्यसभा की 3 सीटें हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी उत्तराखंड है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किन दो अफ्रीकी देशों के बीच समुद्री सीमा विवाद इन दिनों सुर्खियों में है। ऑप्शन ए केनिया सोमालिया, ऑप्शन बी केनिया तंजानिया, ऑप्शन सी जिबूती सोमालिया या ऑप्शन डी तंजानिया या मोजाम्बिक। हाँ, तो कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सोमालिया तथा केनिया के बीच समुद्री सीमा विवाद पर 8 जून को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होने वाली सुनवाई स्थगित किए जाने की संभावना है। यदि हम इनके बीच में समुद्री विवाद के कारणों के बारे में बात करें तो सोमालिया और केनिया के बीच हिंद महासागर में समुद्री सीमा के परिसीमन को लेकर विवाद है। विवाद का मूल कारण दोनों देशों द्वारा महाद्वीपीय सेल्फ के आधार पर सामुद्रिक सीमा का निर्धारण है। दोनों देशों के मध्य लगभग 1,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को लेकर विवाद है और इस क्षेत्र में तेल और गैस के विशाल भंडार है जिसके चलते ये विवाद चल रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए है यानी केनिया और सोमालिया के बीच ये विवाद चल रहा है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न के बारे में भी देख लेते हैं कि पुरंदर दास को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए संस्कृत साहित्य का पितामह, ऑप्शन बी नृत्य पितामह, ऑप्शन सी साहित्य पितामह या फिर ऑप्शन डी संगीत पितामह। हाल ही में पुरातत्व विरासत एवं संग्रहालय विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी हेरिटेज एंड म्यूजियम के कर्नाटक के तीर्थहल्ली तालुका के अर्गा ग्राम पंचायत के केशवपुरा में अनुसंधान कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है। इस शोध का उद्देश्य पुरंदर दास के जन्म स्थान के बारे में स्पष्ट पुरातात्विक साक्ष्य का पता लगाना है जिन्हें कर्नाटक संगीत के पिता के रूप में सम्मानित किया गया था। कर्नाटक संगीत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में उन्हें व्यापक रूप से संगीत पितामह के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी है यानी संगीत का पितामह। इसी के साथ हम अपने आखिरी के प्रश्न पर भी एक बार नजर देख लेते हैं कि सिकाड़ा का संबंध निम्नलिखित में से किस से है। ऑप्शन ए एक कीट, ऑप्शन बी एक वायरस, ऑप्शन सी एक औषधीय पौधा या फिर ऑप्शन डी एक ताजे पानी की सूक्ष्म मछली। सिकाड़ा एक प्रकार के कीड़े हैं जो अपने जीवन का अधिकांश समय भूमिगत रूप से बिताते हैं और 13 से 17 वर्षों के बाद ये कीट मिट्टी से बाहर निकलते हैं। एक बार मिट्टी से बाहर निकलने के बाद इनका जीवन काल अत्यंत छोटा लगभग 2 से 4 हफ्ते के बीच में होता है और यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 2020-21 का समय आवधिक सिकाड़ों के प्रकोप का समय बताया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछली बार वर्ष 2003-04 में उत्तरी अमेरिका के जंगलों में इनकी उपस्थिति दर्ज की गई थी। ये सिकाड़ा का चित्र है जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए है यानी कि एक कीट।